हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फिजो ग तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी बॉज द एज यूजुअल दैट इज निमोनिक तो निमोनिक्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पर्मेटिक कोड के बारे में स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो इसका सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि इसका निमोनिक्स है थ्री थ्री एंड थ्री निमोनिक्स थ्री 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 दैट मीन्स we will divide the content into three part we will divide the content into three part that is nerve, artery, and other other things. ठीक है? तो पहला three हो गया. अब बात आती है जो three है, इसमें भी three nerves है, three artery है और three other things है. अब सब पहले आता है थ्री नर्व्स कौन कौन से है? तो पहली नर्व हो गई हमारी जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल तो सबसे पहले हो गया जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल दूसरा हो गया हमारा इलियो इंग्वाइनल एलियो इंग्वाइनल क्योंकि ये हमारे स्पर्मेटिक कोड की बात हो रही है तो कौन कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है डेट इज इलियो लास्ट बट नॉट द लिस्ट थर्ड इज द ऑटोनोमिक नर्व ऑटोनोमिक नर्व ओके तो वी आर डन विद द नर्व दैट इज जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटल फ्यूमोरल इलियो नर्व एंड लास्ट इज ऑटोनोमिक नर्व नाउ वी विल मूव ऑन इन द आर्टरी तो आर्टरी की क्या बातें हैं पहला दूसरा एंड तीसरा तो पहला हो गया हमारा टेस्टिकुलर आर्टरी आर्टरी टू डक्टस स्पर्मेटिक कोड्स के डक्ट्स होते हैं ना उसका आर्टरी टू डक्टस एंड द लास्ट इज क्रीमस्टर ये तो आसान था क्योंकि आपको पता अगर आपको डायग्राम पता है स्पर्मेटिक फॉर्मेटिक के तो उसके अकॉर्डिंग इसके

फ्लैक्सेस ठीक है पैम्पनी फॉर्म फ्लैक्सेस एंड द लास्ट इज प्रोसेस वेजनालिस प्रोसेस वेजिस होप आपको समझ में आ गया होगा इफ सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच